मोहना चांदपुर के मुखिया प्रत्याशी के पुत्र मोहन ठाकुर ने पंचायत के जनता से विकास के नाम पर एक मौका देने की अपील करते हुए पंचायत के लोगों से डोर टू डोर जाकर संपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके मां मुखिया बनने के बाद पंचायत का चौमुखी विकास करेंगे और जिस टोले मोहल्ले में जाने के लिए रास्ते व घरों पर बिजली नहीं पहुंची है वहां पहुंचाया जाएगा। पक्की सड़क एवं सरकारी योजनाओं से वंचित गरीब परिवारों को इंदिरा आवास, पेंशन एवं राशन कार्ड देने का कार्य किया जाएगा। वहीं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सरकारी लाभ या सुविधाएं लेने को मिलनी चाहिए वह सारी सुविधाएं सुचारू रूप से 5 सालों में नहीं दी गई है। साथ ही बाढ़ जैसी आपदा भी खड़ी है, हर बाढ़ पीड़ित को निजी एवं सरकारी स्तर पर लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में 100% विकास कार्य के पैसे धरातल पर उतारे जाएंगे। जो काम आधा अधूरा है उन्हें जनता के आशीर्वाद से मेरी माँ द्वारा पूरा करवाया जाएगा। जनता का हमको समर्थन मिल रहा है, जनता हमको जिताएगा और धरती पर काम होगा, जनता का विकास होगा। गरीब जितना है उसको विकास करेंगे बिना भेदभाव का, 12 वर्ण जात का हम लोग भेदभाव बिना करने चलाएंगे योजना। जितना सरकार के एजेंडा चलेगा उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। आखिरकार जनता आपको ही क्यों होता है? हम जनता को विकास करते हैं, भलाई करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उसको भी कौन यहाँ लोग है आता है कुछ और उसको पैसा पहले 50,000 रुपये ले लेता है इंदिरा आवास में, पैसा ब्याज पर दे देता है और उसमें जो है वो पैसा भी नहीं देता है लोग और उसका घर भी नहीं बनता है और ब्याज उसको दे रहा है, गरीब मर रहा है यहाँ पर। मौका देता है क्या कुछ करेंगे? एकदम फ्री में, कोई हम पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे, कोई घुस घास नहीं चलेगा पंचायत में हमारा। हमारा नाम मोहन ठाकुर हुआ, मेरा माँ ललिता देवी है, मुखिया पद से प्रत्याशी है महाना चांदपुर से। हमारा माँ को भारी मतों से विजयी बनाइए, जनता का पर भरोसा है, जनता विजय करेगी, हम काम करने के लिए समर्थन कर लोग वोट 6 नंबर पर है, जनता उस पर वोट दे, उसे विजयी बनावे, वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। R9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कटिहार। संग्रामपुर प्रखंड में आगामी 15 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों के बीच शांतिपूर्ण चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जानकारी देते हुए आरओ सह वीडियो दृष्टि पाठक ने बताया कि वार्ड व पंच सदस्यों के लिए 28 टेबल, मुखिया सरपंच व समिति सदस्य के लिए 3 टेबल तथा प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का वितरित किया गया है। वही आरओ सह वीडियो दृष्टि पाठक ने कहा कि प्रचार के लिए लेने होंगे ध्वनि विस्तारक व वाहन का अनुमति। 7वें चरण में आगामी 15 नवंबर को होने वाले चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक व वाहन का अनुमति लेना होगा। जानकारी देते हुए आरओ सह वीडियो दृष्टि पाठक ने बताया कि कोई भी सभा या जुलूस बिना अनुमति के निकाले जाने पर कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। मुखिया सरपंच व समिति सदस्यों को प्रचार के लिए 2-2 पहिया वाहन, 1-1 हल्का 4 पहिया वाहन में से कोई एक, वही वार्ड सदस्य व सरपंच पद के लिए 1-1 दुपहिया का अनुमति लेकर प्रचार कर सकते हैं, जिसकी अनुमति प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी संग्रामपुर द्वारा दिया जाएगा, जबकि ध्वनि विस्तारक यंत्र का अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज के द्वारा दी जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 6:00 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही मान्य होगा। वही मतदान के दिन केवल मुखिया सरपंच समिति सदस्यों को 1-1 दो पहिया वाहन की अनुमति मिलेगी, वार्ड व सरपंच के पंच सदस्यों को वाहन अनुमति नहीं मिलेगी। 7वें चरण में चुनाव है जिसको लेकर के सिंबल का वितरण किया जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए हुए सिंबल का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे एक कर्मचारी, एक पदाधिकारी है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से कैसे टेबल लगा करके वितरण किया जा रहा है। हर पद का अलग अलग टेबल लगाया गया है। यहाँ एक कर्मचारी हैं, संजय जी हैं। संजय जी, यह बतावें कि यहाँ पे कितने टेबल लगाया गया है और किस किस पद के लिए टेबल लगाया गया है? यहाँ पर संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत चुनाव 2021 के अंतर्गत हम वार्ड के लिए 14 पंचायत है तो 14 टेबल की नियुक्ति कर दिए हैं। उस टेबल पर सभी कर्मी को डिप्यूट कर दिया गया है और उसी तरह हमारे 14 पंचायत में 14 सरपंच का पद है, उसके लिए 14 टेबल पंच के लिए भी हम लगा दिए हैं और उसमें 14 टेबल पर सभी टेबल पर हम सभी पंचायत के अलग अलग कर्मी का प्रनियुक्त कर दिए हैं ताकि हमारे यहाँ प्रखंड निवासी के जितने अभ्यर्थीगण हैं उनको आसानी से हम चुनाव चिन्ह नियमबद्ध दे सकें और उनका हस्ताक्षर करा लें ताकि इसी हस्ताक्षर को 15-11 को जो चुनाव होने वाला है उस हस्ताक्षर के नमूना से इन लोगों को पोलिंग एजेंट जो बनाने का है वह हमको सुविधा हो सके और कोई भी गलतियां ना हो सके, कोई भी दूसरे अभ्यर्थी का दूसरा कोई सिंबल नहीं ले सके। इसलिए मैं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार और हमारे यहाँ के माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी संग्रामपुर द्वारा पूरे साफ सुथरा काम करते हुए और सभी कर्मी को अपने देख रेख में एक अच्छा पंचायत चुनाव सफल हो, सभी लोग कर्तव्यनिष्ठ होकर काम कर रहे हैं उनके देख रेख में। और सरपंच और समिति मुखिया पद के लिए कितने टेबल लगाए गए हैं?
सरपंच और समिति के लिए हम 3 टेबल लगाए हैं, लेकिन उस पर 6-6 कर्मी लगाए हैं और सभी टेबल पर हमारे माननीय 28 सेक्टर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं, जो हर टेबल को निगरानी करके देख रहे हैं कि कोई गलती नहीं हो और कोई अशांति न हो, और चुनाव आयोग का निर्देश का पालन करते हुए सभी लोगों को सहानुभूतिपूर्वक हम लोग सिंबल बांटने का काम में है। और पहचान पत्र, अभ्यर्थी का पहचान पत्र भी आज ही हम लोग निर्गत कर रहे हैं, ताकि किसी अभ्यर्थी को बार बार यहाँ आने की कठिनाई ना हो सके, और उसको भी हम लोग सफल पूर्वक मेहनत करके यह चाह रहा हूँ ये हम लोग का पंचायत चुनाव 2021 सफल हो, उसमें हम सभी अभ्यर्थी से भी आग्रह करते हैं ये वे लोग भी हमें सहयोग करें, और मैं उन लोग को वादा करता हूँ ये 15-11 तक कोई भी कठिनाई हम लोग की विभाग की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से नहीं होने देंगे। R9 भारत के लिए संतोष पांडे की रिपोर्ट, मोतिहारी। खबर रक्सौल से है, जहां दिवाली और छठ पर्व को लेकर भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवानों द्वारा सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पर्व त्योहार के आड़ में कोई विध्वंसक घटना ना हो और कोई आतंकी घुसपैठी ना हो, इसी दृष्टिगत भारत नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इसके साथ साथ तस्करी नियंत्रण पर भी रोक लगाने के लिए भारत नेपाल सीमा पर आवागमन करने वाले प्रत्येक वाहनों को रोक कर उनकी गहनता से जांच की जा रही है। गाड़ी का पेपर और गाड़ी में रखे गए सामानों की भी जांच बारीकी से की जा रही है। विगत दिनों पूर्व नेपाल की राजधानी काठमांडू में 11 अफगानी नागरिकों के अवैध रूप में प्रवेश करने पर नेपाली पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद दोनों तरफ से सीमा पर सख्ती बढ़ती जा रही है। भारत नेपाल सीमा के मुख्य मार्ग कस्टम कार्यालय से महज 2 कदम की दूरी पर SSB के जवानों द्वारा दोनों तरफ से आवागमन करने वाले वाहनों को रोककर जांच किया जा रहा है। उधर पंटोका सीमा पर भी वाहनों को रोककर सघन जांच सतर्कता पूर्वक किया जा रहा है। भारत और नेपाल सीमा है, आइए यहाँ पर दीपावली और R9 भारत के लिए राजेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट, रक्सौल।